Team Qadr Zindabad Imran Khan Zindabad Imran Khan Zindabad Imran tere jaan ishar Peshwa Peshwa Imran tere jaan ishar Peshwa Peshwa Imran tere jaan ishar Peshwa Peshwa Team Qadr Zindabad Team Qadr Zindabad Team Qadr Zindabad इसी सिलसिले में आए हैं कि मेरे से पूछने आए हैं कि आप तो कायम हैं, मैं इनसे आज भी वही बात करूंगा और जो मैंने पहले की थी कि मैं गर्दन कटवा दूंगा लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। कादर किसी गलत फहमी में ना रहना, ये जितने भी यहाँ पर वर्कर आए हैं इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी निकलोगे वहाँ वहाँ पर आपका गिराव होगा। वसीम कादर तुमने इन लोगों के जज्बात से खेला है और वसीम कादर के जितने भी दूसरे हैं वो भी तमाम सुन लें कि वसीम कादर को तो इंशाल्लाह ये जुनूनी और ये खान के जो खिलाड़ी हैं वो कभी भी नहीं छोड़ने वाले। वसीम कादर हमने आपको वोट नहीं दिया था, हमने इमरान खान को वोट दिया था और इमरान खान के वोट का हम इंशाल्लाह दिफा भी करना चाहते हैं। लाहौर में तो हर जगह पे जहां पे भी जाओगे हम आपका गिराव करेंगे और ये तमाम खिलाड़ी उसका गिराव करेंगे। जितने भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट होके आए हैं वो तमाम ये सुन लें कि इंशाल्लाह ये कौम के अंदर बहुत ज्यादा जज्बा और जुनून है। जो भी छोड़ के जाएगा अल्लाह के हाँ तो वो मुजरिम ठहरा ही ठहरा, लेकिन ये जो जुनूनी है इंशाल्लाह उसको भी हम छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली आज खिदमत है। नाज़रीन इस वक्त मैं NA 121 और PP 152 में मौजूद हूँ। सुबह हमें एक खबर सुनने को मिली कि चौधरी वसीम कादिर जो कि NA 121 से फतेह याब हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, और उसके बाद हमें खबर मिलती है कि वो जी मरियम नवाज साहबा के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल होती है और बाद में पता चलता है जी उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उसके बाद हल्का के जो लोग हैं उनमें शदीद गमो गुस्सा देखने को मिलता है। टीम कादर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान तेरे जान निसार पेशवा पेशवा, इमरान तेरे जान निसार पेशवा पेशवा, इमरान तेरे जान निसार पेशवा पेशवा, वसीम कादर जिंदाबाद, वसीम कादर जिंदाबाद, वसीम कादर जिंदाबाद। इसी सिलसिला में इस वक्त जो हल्का के हल्का अहबाब हैं वो इस वक्त चौधरी नुमान PP 152 के पास पहुंचे हैं और इनसे ये जानने के लिए आए कि यहाँ भी हमारा वोट ज़ाया तो नहीं होगा, क्योंकि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो फैसला जो है इनके खिलाफ आया, लेकिन इन्होंने जो है अदालत में रिट दायर किया और अभी देखा जाएगा कि उसमें पॉसिबल है कि नुमान मजीद साहब कामयाब होंगे। तो सर क्या कहेंगे सूरत हाल वसीम कादिर साहब आपको लगता था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपके साथ गए हर जगह पर उन्होंने हलफ दिया और एक वीडियो भी वायरल होती दिखी जिसमें हलफ देते नज़र आ रहे कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। देखें जिस तरह से हमने हलफ दिया है और वीडियो बयान दिए हैं, हलफनामे साइन करके दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अब PTI छोड़ना ऐसी है जैसे अपना दीन छोड़ना है, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। बहुत ज़्यादा मेरे वर्कर्स का दिल दुखाया है, वो बहुत परेशान है, आपके सामने इधर आए हुए हैं, इसी सिलसिले में आए हैं कि मेरे से पूछने आए हैं कि आप तो कायम हैं, मैं इनसे आज भी वही बात करूंगा और जो मैंने पहले की थी कि मैं गर्दन कटवा दूंगा लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। वसीम कादर जिंदाबाद, वसीम कादर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, चौधरी नुमान मजीद जिंदाबाद। बताइएगा अगला लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि जो हल्का अहबाब हैं शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है, तो इसके लिए कोई सलूशन पार्टी की जानिब से कोई आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस मिली है इस हवाले से? देखें हमारे लीडर के साथ हमेशा ही धोखा हुआ है जी, और जो है उनका उनके साथ जो है वो हमेशा ज्यादती की गई है कि हमेशा अपने ही जो है ना वो गद्दार निकले हैं, सांप निकले हैं। मेरी जो है वो PTI की आदत से आला की आदत से दरख्वास्त है कि इस तरह के सांपों को उनके लिए कोई न्योले छोड़ें या इनको पकड़ें ताकि हम लोग जो है हमारे वर्कर जो है वो जो है इन सांपों से बच सकें। ये पार्टी के लिए नासूर था, बहुत बड़ा नासूर निकला है। ये मेरा भाई बना हुआ था, मेरे साथ साथ फिरता था, मैंने इसकी कंपेन चलाई सारी। आज मैं आपको अपनी जो है जज्बात बयान नहीं कर सकता, जैसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है किसी शख्स के साथ, वो हुआ आज मेरे साथ।
बताइएगा इस बात में किस हद तक सदाकत है। पहले कहा गया जी उनको अगवा कर लिया गया है, आपके मुताबिक क्या लगता है ये वाकई में अगवा था या ये डील हुई है कोई? देखिए रात को तो मुझे जो है वो पता था कि इस्लामाबाद गए हैं, उसके बाद जो है सुबह 4 बजे की न्यूज़ जो है वो कोई 1-2 बजे लगना शुरू हो गई, लेकिन मैं अपने हल्के की आवाम को सारों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मैच पहले से फिक्स था। अब हमें बिल्कुल सारे कुछ आया हो गया है, इस बंदे ने अपने इलेक्शन पे एक रुपया नहीं लगाया, ये जो है वो 3-4 बंदों का टोला था, आज तक किसी बंदे ने इसका घर नहीं देखा, हमें पता भी नहीं है ये कहाँ से आया कहाँ को गया। हमें तो यही पता था कि ये जनरल सेक्रेटरी लाहौर है और जो है ना ये जो सारी तंजीम है वो इसके कंट्रोल में है। इसी हिसाब से तो ये प्री प्लान था सारा कि रही लश्कर को हराना है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ये सबसे एक इनको पॉजिटिव एक पॉइंट मिल गया इमरान खान साहब को धोखा देने के लिए। देखें चोरों नु पै गए मोर, यहाँ पर वही साहब है, उन्होंने जो है अपने बंदे को फारग करा रहा था क्योंकि वो अकड़ता फिरता था। हाँ जी बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, बहुत ज्यादा किसी वो नशे में था, वो नशा उन्होंने उतार दिया और उसकी जगह जो है वो कहता वो खुद कहता था मैं चौधरी होते चौधरी बा देंगा, तो यदि पार्टी ने एक चौधरी लिया के बात है। क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा आखिर में मुझे बता दीजिएगा कि क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं तो क्या लाहे अमल होगा, क्या मैसेज देंगे कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मैसेज पहुंचे ताकि कोई इसके बाद कोई जो है वो इस तरह खान के साथ गद्दारी ना करे। देखिए मैं तमाम उम्मीदवारों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना अपने वालदैन की इज़्ज़त का अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखें। अगर आप पार्टी छोड़ते हैं पीटीआई को छोड़ते हैं तो आपकी नस्लें जो हैं बर्बाद हो जाएंगी, आप वो जलील होंगी, लोग उनको गालियां निकालेंगे, उनको कहेंगे कि तुम्हारा बाप गद्दार था। तो इस चीज़ से बचें और जो है कि कोई किसी लालच में ना आए, कोई पैसा शैसा सारा कुछ दुनिया में रह जाना है, कब्र में कफन पहन के जाना है बस। तो जो है वो एक सच्चा लीडर है, उसी का साथ देना है और मरते दम तक उसके साथ है। अब वसीम कादिर साहब तो गए, इन सब का हामी कौन होगा, क्योंकि इख्तदार में तो वो थे। हम सब का हामी जो है वो अल्लाह है। बिल्कुल ठीक है, हम जो है इमरान खान के झंडे तले खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और कल खड़े भी रहेंगे, हमें कोई नहीं हटा सकता। हम लोगों ने जुल्म और ज्यादतियाँ बड़ी सह ली हैं, अब ये जो एक नया हमारे ऊपर जो है जुल्म का पहाड़ बरपा किया गया है, ये सब जो है दुश्मन की साजिश है, चाल है, ये पीडीएम जो है पीडीएम माफिया की साजिश है। हम लोग जो है वो इसका पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और मैं अपने वर्कर से कहना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहूँगा, इन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गद्दार जो होता है उसकी जो उसका जो अंजाम होता है ना वो बहुत ही बुरा होता है, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चलें जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये देखिए वसीम कादर, किसी गलत फहमी में ना रहना, ये जितने भी यहाँ पर वर्कर आए हैं इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी निकलोगे वहाँ वहाँ पर आपका गिराव होगा। वसीम कादर तुमने इन लोगों के जज्बात से खेला है और वसीम कादर के जितने भी दूसरे हैं वो भी तमाम सुन लें कि वसीम कादर को तो इंशाल्लाह ये जुनूनी और ये खान के जो खिलाड़ी हैं वो कभी भी नहीं छोड़ने वाले। वसीम कादर हमने आपको वोट नहीं दिया था, हमने इमरान खान को वोट दिया था और इमरान खान के वोट का हम इंशाल्लाह दिफा भी करना चाहते हैं। लाहौर में तो हर जगह पे जहां पे भी जाओगे हम आपका गिराव करेंगे और ये तमाम खिलाड़ी उसका गिराव करेंगे, जितने भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट होके आए हैं वो तमाम ये सुन लें कि इंशाल्लाह ये कौम के अंदर बहुत ज्यादा जज्बा और जुनून है, जो भी छोड़ के जाएगा अल्लाह के हाँ तो वो मुजरिम ठहरा ही ठहरा, लेकिन ये जो जुनूनी है इंशाल्लाह उसको भी हम छोड़ेंगे। ये लोटा 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 और जितने भी लोटे तो सुन रही है गद्दार गद्दार वसीम कादर गद्दार।